गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में अनबॉक्स करने वाली हूँ स्टील कॉपर का थाली सेट जो कि होने वाला है 8 पीस डिनर सेट और इसे मैंने ऑर्डर किया है अमेजोन से और ये फिलहाल अभी है इस बॉक्स में बंद। चलिए आपको अनबॉक्स करके दिखाते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसे होने वाली है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है और क्या क्या मिला है। यार इस बॉक्स को कट करने के बाद भी इसके अंदर एक और बॉक्स है तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा है इसके अंदर का बॉक्स और इस कंपनी का नाम है इंडियन आर्ट विला जिसका कि मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ आज। और लुक सामने का इंटरफेस कुछ ऐसा है, स्टील प्लस कॉपर मिक्स है। भाई फाइनल प्रोडक्ट मुझे देखना है, डब्बे के अंदर डब्बा तो काफ़ी देख लिया, हैवी काफ़ी है क्योंकि 8 पीस सामान है और काफ़ी अच्छे से देखो बबल रैप होकर के आया है एंड इसके अंदर से निकला है ये साइनिंग पाउडर भी जिससे कि आप इसको चमका सकते हो। और ये रहा इसके अंदर बुकलेट जिसमें कि कॉपर की और भी क्या क्या चीज़ें इनके पास अवेलेबल है वो दिखाई गई है। तो इसको भी रखते हैं आप साइड में और इसे ओपन करते हैं। तो ये निकल चुका है हमारा पूरा डिनर सेट और इसमें टोटल 8 पीसेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 हमारी ये थाल। तो आपको सबको इस सबको भी खोल खोल के दिखाती हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर है टोटल 3 कटोरियाँ, 1 स्मॉल प्लेट, 1 ग्लास जो कि अप्रॉक्स 250 ml का ग्लास है एंड फोर्क एंड स्पून, साथ में एक बड़ा सा थाल जिसका कि अंदर का टेक्सचर अगर मैं आपको दिखाऊं तो अंदर में ये स्टील है और बाहर साइड में कुछ इसी तरह का कॉपर है। तो एक एक करके आपको दिखाना शुरू करते हैं। अगर कटोरी को सबसे पहले देखें तो इसके साइड साइड का जो ये डिज़ाइन भी है ये भी पूरा हैमर्ड है, देखो पता चल रहा होगा आपको, तो कुछ इस तरह का है इसका लुक। ये हो गई एक कटोरी की बात, इसी की तरह की बाकी कटोरियाँ भी हैं। ये तीनों कटोरी सेम साइज की है, सेम डेप्थ है, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट अगर देखें अपने प्लेट की तरफ तो प्लेट का साइज कुछ इतना बड़ा है, इसमें आप लोग कुछ कुछ सर्व कर सकते हो लाइक खीर वगैरह जो भी आप सर्व करना चाहो। इसके पीछे का भी डिज़ाइन वही सेम है, हैमर्ड है, अंदर में स्टील है और बाहर में कॉपर है। क्वालिटी यार काफ़ी ज़बरदस्त है, एक एक बर्तन का यार वेट पता चलता है। इवन अगर ग्लास की भी बात करूँ ना तो ग्लास यार मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, पूरे में हैमर्ड इस तरह कॉपर का डिज़ाइन है जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्टाइलिश एंड खूबसूरत बनाता है। और अगर पीछे साइड में देखें तो पीछे में हल्का सा क्रिस क्रॉस वाला डिज़ाइन है। प्लास्टिक एक्चुअली मैंने नहीं हटाया क्योंकि यार मुझे ये किसी को गिफ्ट करना है तो इस वजह से, बट सोचा कि अगर गिफ्ट करने ही वाली हूँ तो आप लोग को भी दिखा दूँ ताकि आप लोग भी इसे गिफ्ट कर सको जिसे भी आप चाहो क्योंकि काफ़ी सही है। एंड स्पून देखो स्टील का है इसका माउथ एंड अगर इस तरफ देखें तो ये पूरा है कॉपर का। हैंडल की क्वालिटी भी मुझे बहुत पसंद आई और दोनों ना दो रंग के होने की वजह से और ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, जैसे भी आप गिफ्ट करोगे या फिर खुद घर में भी यूज़ करोगे तो काफ़ी बेहतर सा लगेगा। अब दिखा देती हूँ आपको थाली, तो ये देखो थाली कुछ ऐसा और यार काफ़ी चमकदार, इसमें मेरा आपको शकल भी दिख रहा होगा तो काफ़ी सही है। इसके पीछे आपको दिखाती हूँ, पीछे का टेक्सचर भी यार बहुत ऑसम है, ये देखो डिज़ाइन एंड इस साइड में पूरा हैमर डिज़ाइन है और ये पूरे में है आपका बर्फी आकार का जो डिज़ाइन होता है वो। काफ़ी बड़ा सा थाल है, पूरा मेरा हाथ इससे आ जा रहा है, डायमीटर काफ़ी ज़्यादा है। तो यार ये जो पूरा डिनर सेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि अगर मैं इसे किसी को भी गिफ्ट देती हूँ ना तो यार उसे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ही सही है, बजट में है, गिफ्ट देने के लायक भी। और अगर आप घर पर भी यूज़ करना चाहते हो लाइक पूजा पाठ वगैरह में तो आप यूज़ कर सकते हो। हाँ प्योर ये कॉपर नहीं है, पीछे साइड कॉपर है, अंदर में पूरा स्टील का ही यूज़ किया गया है। अगर आप लोग बोलोगे तो प्योर कॉपर वाला भी मैं आप लोग के लिए अनबॉक्स करूंगी। तो यार मुझे इसकी क्वालिटी, स्टाइल, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, वेट भी अच्छा खासा है, मतलब मैं हाथ में लेकर के ना पता चल रहा है यार। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो इसका बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ जाकर आप इसे इजिली बाय कर सकते हो। और अगर प्रोडक्ट पसंद आया तो यार लाइक जरूर से करना और हाँ कमेंट में बताना कि आपने इसे लिया है या नहीं, और लिया है तो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।